وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ صَلَّى اللَّهُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ حضرات و حاضرین اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ستائش دے بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام
आमिना दे दुर्रे यतीम रऊफुर रहीम। जगां दे पीर रब दे हबीब हबीबे किबरिया महबूबे खुदा शमसु जोहा बद्रुद्दोजा खैरुल वरा मंबाए रुश्दो हुदा साहिबे काबा कौसैन अवदना। मेरे और तुहाडे प्यारे आका और मुर्शद जनाबे हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम जी दी जाते अकदस रौज़ाए पाक और कब्रे अनवर ते होन। साहिबो और अजीज साथियो, आज 12 रबीउल अव्वल है। रबीउल अव्वल दा महीना जिथे उस नेमत उजमा दी याद दहानी दा सबब हुंदा जो मेरे और तुहाडे महबूब पाक अली सलाम दी विलादत बासआदत और बेअसत मुबारका दी सूरत दे विच अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने सानू मुराहमत फरमाई। उथे इसे महीने की 12 तारीख अज तो 1434 साल कबल अगर मदीना तो ये बादी हालत वेख ली जाए तो हर मुसलमान मोमिन हर उम्मती का दिल पसपा जांदा है कि 12 रबीउल अव्वल का दिन वह दिन सी जदों जगां दे पीर अली सलाम दुनिया तो रिहलत फरमा के सहाबा फरमांदे ने जिस दिन जगां दे पीर अली सलाम मदीना पाक दे विच तशरीफ ले आए उस दिन दे नालो होर रोशन और सफेद दिन कोई नहीं। और 12 रबीउल अव्वल नू जदों आमिना दे लाल दुनिया तो तशरीफ लै गया ते पूरे मदीने दे विच अंधेरा जिहा छा गया सी। सैयदा फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह नहा क्या कर दिया सन जेड़ा गम ते दुख मेरे बाबा दी वफात मेरे दिल ते उतरे है अगर दिना ते उतरदा ते दिन भी रातां दे विच तब्दील हो जांदे। ऐ 12 रबीउल अव्वल दा दिन इहदे विच कोई दूसरी राय नहीं कि हुजूर अली सलाम साडे वास्ते अल्लाह पाक दा बहुत बड़ा बल्कि सब तो बड़ा इनाम और एहसान बन के आए। वेखो न जिदी शान जिन्नी बुलंद होए उहदे तस्किरे उतने ज्यादा हुंदे ने ते मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम अजे दुनिया दे विच तशरीफ नहीं ले आए ना ना अजे ते दुनिया कायनात मारज़े वजूद दे विच नहीं आई और मकीनो मकां ते जमीनो जमादा वजूद और तसव्वुर कोई नहीं। आलमे अरवाह दे अंदर रूहां दी दुनिया है
मेरे और तुहाडे खालिको मालिक ने साडियां सारियां दियां रूहां इकट्ठियां फरमा लईयां और पूछे आ अलस्तु बि रब्बिकुम, मैं तुहाडा रब हां के नहीं। असा सारे तुसा असा जवाब दिता कालू बला, क्यों नहीं अल्लाह जी तुसी साडे रब हो। एक ते वादा आलमे अरवाह दे विच है ले आए, ते दूसरा वादा सानू नहीं बुलाया। बोलो सानू गुनेगारा नेकोकारा नू वलिया नू नहीं बुलाया। किन्ना नू बुलाया? अपने अंबिया नू बुलाया। क्यों? हुण तज़किरा मेरे मुस्तफा दा जो होण वाला है सल्लल्लाहु, आवाज आउंदी है अल्लाह फरमांदे ने वा इज अखज़ल्लाहु मीसाकन नबीयीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न काला अकररतुम व अखज़्तुम अला ज़ालिकुम यसरी कालो अकररना काला फशहदू व अना माकुम मिन शाहिदी। परवाने ओ कुरान दे ओ मेरे मुस्तफा दे ओ सच्चे मुहिब दारो, मेरी दुआ है अल्लाह सानू सारियां नू कुरान पाक दा प्यार और समझ नसीब फरमा दे। आलमे अरवाए दुनिया दी गल नहीं कर रहा, आलमे अरवा दे अंदर अल्लाह फरमांदे ने वा इज अखज़ल्लाहु मीसाकन नबीयीन, जदो आलमे अरवा दे अंदर तेरे परवरदिगार ने नबियां दे कोलों वादा लिया, ए मेरे आदम जी, ए मेरे नूह अली सलाम जी, ए मेरे इस्माइल ते इब्राहिम जी, ए मेरे ईसा ते मूसा जी, ए मेरे इसहाक ते याकूब ते यूसुफ जी, ए मेरे लूत ते शुएब जी, ए मेरे नबियो, ए मेरे इदरीस यहया जी, जी जी रब जी। फरमाया लमा आतई तो कुम मिन किताब व हिकमा, मैं तुहानू नबुवतां दे देवां, मैं तुहानू रिसालतां दे नाल सरफराज फरमा देवां। ए मेरे नबियो, दुनिया दे विच तुहाडियां नबुवतां दा सिक्का चलदा हो, तुहाडियां रिसालतां ते तुहाडियां शरीयतां चलदियां होन, सुम जाऊंगा कुम रसूल, सुम जाऊंगा कुम रसूल, फिर तुहाडे कोल आमीना दे लाल आ जन, फिर तुहाडे कोल महबूबे रब्बे जुल जलाल आ जन, सुम जाऊंगा कुम रसूल, तुहाडे कोल आमीना दे लाल आ जन। ए मेरे नबीओ करना कीजे अल्लाह जी तुसी दस दियो, फरमाया ला तू मैनू नबी वाला तंसुरुना, मेरे नबीओ फिर तुहाडियां नबुवतां ते रिसालतां दी शरीयतां दे सिक्के नहीं चलने। और बाबा जी समसाम अल्लाह तुहाडी कबर ते करोड़ा रहमतां फरमा देवे, फरमाया कर दे अपने अंदाज दे विच काफ कुन दिया मंजलां अजे पहली आसन, जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी,
ਰੱਬ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਖਤਮ ਰਸਾਲਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆਦਮ ਦੀ ਅਜੇ ਗੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਚੰਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਬਲ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਪੇਸ਼ ਗੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਮਸਾਵ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲੱਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਤ ਆਉਂਦੀ ਮੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਐ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ सारे नहीं बोले कहो सल्लल्लाहु फरमाया अल्लाह तो मैं नबी वाला तंसुरना ए मेरे नबियों मिन दलाला जन फिर तुआडियां नबुवता तुआडियां रिसालता तुआडियां शरीयता नहीं चलन गियां और मेरे मुस्तफा तशरीफ ले आए रबीउल अव्वल दा महीना ते इस महीने दी 9 तारीख है सुबह दा वेला तम्मी तम्मी लो फुट रही है ते जगां दे पीर अली सलाम बीबी आमिना दी गोद विच पैदा हो जांदे ने और जगां दे पीर अली सलातु असलाम जदो पैदा होए मां आमिना फरमांदियां ने मेरे बदन दे विचों इक ऐसा नूर निकलिया जिदी रोशनी दे विच मैं शाम मुलक दे ऊंटां दे कजावे भी वेख लै मेरे पैगंबर अजमत लेके आए जगां दे पीर मकाम लेके आए हां हां रबीउल अव्वल दे महीने दे विच मेरे पैगंबर अलैहि सलाम पैदा होए अल्लाह फरमांदे ने लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज बवसा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति मेरे पैगंबर तशरीफ ले आए अल्लाह फरमांदे ने इन्ना अरसलना का शाहिदं व मुबशिरं व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरु व तुअक्किरु व तुसब्बिहु बुकरतं व सुन दे जाना मरकज उस्मान वालो मेरे पैगंबर अलैहि सलाम तशरीफ ले आए अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदं व मुबशिरं व नज़ीरा व ان الى الله باذنه وسراجا منيرا نو ربيع الاول جگاں دے پیر علیہ السلام دنیا دے وچ تشریف لے آئے عظمت مقام मर्तबा ते इस्मत ते रिफत ते बुलंदी कितनी मेरे पैगंबर अलैहि सलाम दी शान पाके पहले दिन जिन्नानु गोदी दे विच उठा के ते दादा अब्दुल मुतलिब ने बैतुल्ला दा तवाफ फरमाया सी असी तरसने आ अल्लाह बार बार हाजरी नसीब फरमा दे मैं सलाम पेश करना अपने पैगंबर अले
السلام دے مقام عرفہ و اعلیٰ نو اور میرا پیغمبر عظیم تر ہے تے عظمت دا عالم اے ہے کہ پہلے دن پیدا ہوندیا مصطفیٰ نو بیت اللہ دا طواف نصیب ہو گیا آمینہ دیکھ رہیاں نے تے اکھاں دے وچ نہ آنسو آ گئے عبد المطلب پوچھ دے نے آمینہ بیٹا کیوں رو رہی ہے فرماندیاں نے کاش کہ میرے بیٹے دا بابا اج زندہ ہوں کاش اج عبداللہ زندہ ہوں دے باپ ہوئے نا محلے والے قبیلے والے برادری والے رشتے دار سارے نیڑے لگ دے نے سر تو پیو دی چھاں اٹھ جے نیڑے کوئی نہیں جے لگ دے آواز آندی اینی آمینہ جے برادری والے نہیں آندے تے نہ آؤں جڑے عظمتاں والے پتر نو جنم دیتائی تیرے دروازے تے مبارکاں دینا جاسمان دے فرشتے تے جنتیاں حورا آ گئیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اینا مقام تے اینی عظمت ملی دن گزر دے گئے میرے آقا سات دن دے ہو گئے اچھی بولو کنے دن دے دادے عبد المطلب نے دعوت رکھی قبیلے قوم ملے والے انو رشتے دارانو بلایا کھانا شانا کھاتا تے تو انو پتا ہے ساڑھا ہے تھے رواج ہے کہ لیاؤ وہی منڈا تے وخاؤ جی دی دعوت کھوائی جے بیٹا تے دکھاؤ بابا سید الفتح اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں فرما دے ایک دو پہلے نا آمینہ عبد المطلب دے کول بیٹھیاں مشورہ کر دیاں نے ابا جی ایڈا چنور کا پتر اللہ نے دیتا ہے ایڈا نا کی رکھیے بیٹا تو دس سیدہ آمینہ فرما دیاں نے ایت میرا احمد آیا ہے ایت میرا حضرت عیسیٰ نے بھی فرمایا سی وَمْ بَشِّرَمْ بِرَسُولِي يَعْتِي مِنْ بَعْدِ سُمُهُ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ایت میرا احمد آیا ہے عبد المطلب آندے نے آمینہ تُو احمد کہہ رہی ہے میں محمد کہہ رہا ہوں احمد دا مطلب جیڑا ساری کائنات دے نالوں پڑھ کے اللہ دی تعریف کرے تے محمد دا مطلب جدی سارا جگ بھی تعریف کرے تے عرش والا رب بھی تعریف کرے نام ڈیسائیڈ ہو گیا دعوت رکھی کھانا شانا کھا کے کہنے لگے لے آؤ جڑا بچہ ہویا ہے اوتے دکھاؤ بابا جی آندن محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جان سات دن دے ہوئے تے آئے اکٹھے ہو کے دعوت دے بیندین سارے محمد دے دادے نو کیندین سارے جو عبداللہ دی بن کے نشانی ہے آیا کی نام اس دا ہے رکھے رکھایا اے دادے نے سنیا تے اگوں سنایا میں نام اس بچے دا محمد رکھایا صلی اللہ محمد جا سنیا درود پاک پڑھ دے جایا جی محمد جا سنیا تے پیگے کو کارے
मोहम्मद दे दादे नूं कहिंदे ने सारे ओए अब्दुल उज़्ज़ा रख दो या अब्दे मनाती आयो फेर हुंदी कोई गल बाती इनामे मोहम्मद अनोखा जे आए ए साडे नजदीक औखा जे आए ए दादे ने सुनिया ते अंदर सदाए मोहम्मद नू गोदी जा चुक के ले आए लगे कैन सरदारो अखां ते चुको मेरे सोने बचड़े दा मुखड़ा ते तको जिन्नू तक तक के नहीं रज दिया अखां मैं नाम उस बेटे दा मुहम्मद ही रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जेड़े एतराज कर रहे सन ना छड़ो जी एवं नवा ना रख लिया जे जदों मेरे मुस्तफा नूं वेख्या मैं दुआ करना जुमे दियां मुबारक घड़ियां ने बावजूद तुसी भी बैठे हो अल्लाह सारे नूं ख्वाब दे विच बार बार मुस्तफा की जियारत नसीब फरमा दे सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। पहले जड़े एतराज कर दे ने जदों मुस्तफा करीम अलैहि सलाम नन्हे जे मुहम्मद करीम अलैहि सलाम नूं वेख्या ना एक आम बंदे दा बच्चा होए ना ते तुहानूं पता बच्चियां ते एटोमैटिक प्यार हुंदा है बिलखसूस न्यू बॉर्न पैदा हुंदे बच्चे इन्हां दे नाले कंसीयत ही वक्री हुंदी है। आम बंदे दा बच्चा होए ओदे ते लाड प्यार ओदे ते मुहब्बत आउंदी है ते इमेजन करो हां के सुरख रंग दे रेशमी कपड़े दे विच जदों मुहम्मद लपेटे होंगे सल्लल्लाहु सरदार पहले इतराज कर रहे सन जदों नबी पाक अलैहि सलाम नूं वेख्या ते कहन लगे अब्दुल मुत्तलिब एडे सोने दा नाम मुहम्मद ही फबदा है सल्लल्लाहु। आमिना दे लाल अलैहि सलाम ने बचपन गुजारिया मेरे पैगंबर अलैहि सलाम ने लड़कपन गुजारिया जवानी गुजारी ते कैसी गुजारी साडे अक्सर क्या जांदा है जी जवानी मस्तानी हुंदी है अरबी दा भी एक मुहावरा है अशबाब शोबतु मिनल जुनून के जवानी च एवें बंदे दा दिमाग ठिकाने नहीं हुंदा। मोहम्मद करीम ने जवानी कैसी गुजारी जरूरत समरदी है रबीउल अव्वल दे विच गलियां बाजार सजाने तो पहले अपना किरदार उस्वाए मुस्तफा के मुताबिक सजा लीजिए सल्लल्लाहु। जवानी ऐसी रोल मॉडल कदी किसी ने यह नहीं सी आखिया मुहम्मद उथे खड़े सन उथे खड़े सन ए करते सन ओ करते सन बल्कि मावा अपने पुत्रां नूं मिसाल दिंदियां ते मुहम्मद दी जवानी दी दिंदियां सल्लल्लाहु। जवानी दे विचों निकले 40 साल दी उम्र पाक अल्लाह ने नबुवत दे ताज दे नाल मुतजव्वर फरमा दिता अल्लाह अल्लाह हक अल्लाह। जगां दे पीर अलैहि सलाम अल्लाह दे रसूल खातमुन नबीयीन बन के तशरीफ ले आए हुन अजमत कैसी मुकाम कैसा
सूरह अहज़ाब 22वां पारा अल्लाह फरमांदे ने लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कायनात के लोगों अगर अपना ओढ़ना बिछौना चलना फिरना दीन दुनिया मुआशरत मईशत अगर अपने आप नु कामयाब करना चाहते हो एक रस्ता है और जो लड़ लगियां सो तर गईयां। इक्के रस्ता लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना। जो लड़ लगियां सो तर गईयां ओ पार सलामत गईयां। ऐस नगर जिस चाती पाई ओ गुनांगार नरियां। जिसने नाम फरमानी कीती कम किते मनमानी कदों पार सलामत गईयां ओ गरक होयां विच पानी। जेड़ियां आप आवारा होइयां ओ रुल मोइयां विच जाड़ां। चोरां शेरां दे हाथ आईयां ते या लुकमा बगियाड़ां। आओ लोगो टिकट खरीदो आओ लोगो टिकट खरीदो ऐ खड़ा जहाज मुहम्मदी। फिर ना कहना खबर ना होई ऐ सुनो आवाज मुहम्मदी। ऐ अजमत है रबीउल अव्वल दे विच आउन वाले आमीना दिलाल दी सल्लल्लाहु अलैहि वाले। बचपन बेमिसाल है लड़कपन मिसाल ही कोई नहीं। मुअर्रिखीन ने लिखे है नबी अल इस्लाम जदों लड़कपन की उम्र पाक दे वे सन महल्ले दे मुंडे शुंडे रल के बहिंदे एक दी ड्यूटी लगदी तू जा घरों सारयां दे घरों रोटी लै आ नाले इत्थे बह के रोटी खावांगे नाले लैला मजनू सुनांगे। हीर रांझे दे किस्से श्री फरहाद दियां कहानियां सुनांगे। हर बंदा जानदा जिदन मेरे मुहम्मद दी वारी आई रब ने मुहम्मद करीम नू उंजी सुला दिता सल्लल्लाहु। नबी अल इस्लाम मोहल्ले चाहे रोटी लैन ते आका दी अख लग गई। ए लड़कपन दी नफासत और पाकीजगी जे हुजूर अलैहि सलाम सो गए। अगला दिन होया नबी अल इस्लाम फरमान लगे भाई मैनू पता नहीं लगा ते मेरी अख लग गई चलो मैं अज रोटी तुहाडी सारयां दी लै आउना। सारे कहन लगे तुसी बह जाओ तुहाडी लियांदी लियांदी असी खा बैठे आ ना तुसी जाया जे ते ना असी भुखे रवांगे। असल गल ए सी के दुनिया कायनात दियां खराफात तो रब अपने मुस्तफा नू उंजी मुबर्रा रखना चाहते ने सल्लल्लाहु। कायनात दे लोगो ए शान जे मुस्तफा करीम दी सल्लल्लाहु। बुराई दी वारी आई ना मेरी तुहाडी वारी आई। अल्लाह करीम ने आर्डर फरमाया तुसा बुराई दे करीब नहीं जाना तुसा बुराई दे नेड़े नहीं जाना। ते जदों मुहम्मद करीम दी वारी आई रब करीम अपने मुस्तफा नू नहीं बुराई नू कह रहे ने बुराई है तू मेरे मुस्तफा दे नेड़े नहीं जाना। अजमत जवानी बेमिसाल
नबुवत मिली ते बा कमाल शबो रोज दिन रात अमनो शांति है या जंगो जदल दा मैदान है। ऐ कायनात दे लोगो लकद कान लकुम फी रसूल इल्लाही उसवतुन हसना दे तनाजुर दे विच दुनिया दे विच इक्के हस्ती ऐसी अखां बंद करके उन्ना दे पिछे चलो इंतुतीहु तहतदू जदों अखां खोलोगे अल्लाह तुहानू जन्नत दा वारिस बना देंगे। बाप हो जैनब रुकैया उम्मे कुलसूम ते फातिमा तो ज़हरा ते बाबा दी तरफ देखो, खामिंदो खतीजा आयशा हफ्सा ते सौदा ते ज़ैनब ते शौहरे नामदार दी तरफ देखिए। अगर सिपा सलार हो तो फिर बदर ते ओहद ते खंदक ते हुनैन दियां फौजां दे सिपा सलार नूं देखिए। फरमाया लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाही उसवतुन हसना, हर पासे हो अजमत बा कमाले हिजरत बुढ़ापा आजमाइशां तकलीफां हजर सफर दाखिला खारिजा मामलात कर दे मस्जिद नबवी पाक देते सहाबा देते सुफा दे तालब इल्मा दे मामलात। मेरा पैगंबर अजीम तरे मेरा पैगंबर अजीम तर ने आमिना दलाल दासानी भी कोई नहीं मेरे मुस्तफा वर्गा भी कोई नहीं सल्लल्लाहो ते कायनात दे लोगो ए ते दुनिया कायनात दा उसूल है। वमा जअलना लिबशरि मिन कबली कल खुल्दी अफइम मिता फहुमुल खालिदून। सोने हो तुहाडी अजमत बड़ी है तुहाडा मुकाम बड़ा है अल्लाह दे नबी जी तुहाडी रिफात ते बुलंदी बड़ी है ते शान बड़ा है अल्लाह दे नबी जी तुहाडी अजमत बड़ी है। लेकिन सोने हो एक फितरत दा कानून भी समाद फरमा लो वमा जअलना लिबशरि मिन कबली कल खुल्दी तुहाडे तो पहले रब ने कोई ऐसा इंसान बनाया ही नहीं जड़ा हमेशा दुनिया दे विच रहेगा। अफ़ाइमिता सोने हो एक वक्त आएगा इन्ना अज़मतां दे बावजूद तुसी भी फौत हो जाओगे फहुमुल खालिदून। जे तुसी फौत हो जाओगे ते वला ओ हमेशा रहनगे। कुरान पाक दा परवाने हो एक दूसरा मुकाम 23वां पारा मुकरे है इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून। सोने हो तुहानू भी एक वक्त आएगा तो दुनिया तो फौत कर दिता जाएगा ते जेड़े तुहाडियां मुखालफत कर देने जेड़े तुहाडियां गुस्ताखियां कर देने रहना ओना भी इत्थे नहीं है। कुरान दा एक और मुकाम हदे मुकाम ते जड़ा उतरिया अल्लाह फरमांदे ने सहाबा दे विच ना बेचैनी पै गई किसे ने अफवाह फैला दिती आमिना दे लाल शहीद हो गए ने सल्लल्लाहु अलैहि सहाबा दे दिल टुट गया ते कलेजे फट गए कई ते तलवारा सुट बैठे जे जगां दे पीर नहीं रहे ते फिर असां लड़के की करने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सर पाक ते लोहे दा इक खोर दे ओदियां कड़ियां नबी पाक दे सर मुबारक दे विच लगदियां ने ते चेहरा लहूलुहान हो जांदा है।
ऐ सामने हो मेरे मुस्तफा दे कुछ दंद मुबारक भी शहीद हो जाते हैं ते आका एक गड़े दे विच गिर जाते ने अफरा तफरी दाल में ते आसमान तो जिबरील कुरान लेके आ जाते ने अल्लाह फरमाते ने वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबली रसूल मेरे पैगंबर अलैहि सलाम अल्लाह दे रसूल ने ते आप अलैहि सलाम तो पहले भी रसूल गुजरे अफाए माता अगर जगां दे पीर अपनी तभी मौत फौत हो जन औ कुतिलन कलब तुम आला का बिकुम या मैदान दे विच शहीद कर दिते जान क्या तुसी अपनियां एड़ियां तो फिर जाओगे वो मैयन कलब आला की बई वलैया जुर अल्लाह शैया जेड़ा अपनियां एड़ियां तो फिरया उन्हे अपने ही नुकसान कीता अल्लाह दा नुकसान नहीं कीता अल्लाह शुक्र करने वालों को बदला देंदे ने ए आसमान तो जदों अल्लाह दा ऐलान उतरिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद वालों को अल्लाह दा पैगाम पढ़ के सुनांदे ने ते मेरे पैगंबर दे सहाबा दीवाना वर दौड़दे आंदे ने एक बीबी ओ मैदान दी तरफे आ रही है पता लगे जगां दे पीर दुनिया तो कूच फरमा गए पूछन वाले अनु पूछ दिए मैनू पता लगा नबी पाक शहीद हो गए ओ दसन वाला कहन लगा नबी पाक ते खैरी सल्ला ने तेरा खामद शहीद हो गया ए बीबी इन्ना लीला पढ़ दी अगे टुर दी है फिर एक बंदे नु पूछया उन्हें क्या हुजूर ते खैरियत नाल ने तेरा भरा शहीद हो गया फिर एक नू पुछया उन्हें क्या नबी अल इस्लाम खैरी सला ठीक ने तेरा बेटा शहीद हो गया फिर एक नू पुछया उन्हें क्या नबी पाक नू ते कुछ नहीं होया तेरा बाप शहीद हो गया एक औरत दे वास्ते ये चार रिश्ते ही होंदे ने ना प्यो भरा बेटा ते खावंद जदों मुस्तफा दे चेहरे पाक नू वेखिया ना ते कहन लगी अल्लाह दी कसम तुहाडा चेहरा तक लिया सारे सदमे ते सारे दुख ही दूर हो गए इतना प्यार नबी पाक दे नाल नबी पाक दे सहाबा कर दे आ मेरे नबी दे ओ परवाने ओ अफ़ाए माता औ कुतिलन कलब तुम अला आका बिकुम तुहाडा प्यार अपनी जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो जन या शहीद कर दिते जान ते क्या तुसी इस्लाम तो फिर जाओगे अल्लाह 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 हज दा मौका आया जगां दे पीर अलैहि सलाम फरमांदे ने मेरे कोलो हज दे मसले पुछ लो हो सकदा आउंदे साल मेरी तुहाडी मुलाकात ना होवे हजरत मुआज़ बिन जबल नू यमन दी तरफे भिजवाया नबी पाक अलैहि सलाम ना मुआज़ नू जिथे कई वसीयतां फरमाईयां उथे एक गल इरशाद फरमाई जिन्हें मुआज़ दे दिल ते टुकरे टुकरे कर दिते फरमान लगे मुआज़ हो सकदा है जदो तू यमन तो वापस आए ते मैं ना होवां इस जगह ते मेरी कबर तेनू नजर आएगी हज दे बाद मुहर्रम मुहर्रम दे बाद सफर दा महीना सफर दियां पहलियां तारीखां दे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदाने ओहद दे विच पहुंच जांदे ने अज भी ओहद दे मैदान दे विच ओहद दे शहीदां दियां कबरां मौजूद ने हुण सऊदी गवर्नमेंट ने उत्थे एक लोहे दा जंगला लगा दिता है सामने कबरां नजर आउंदियां ने जिथे ओहद दे 70 शहादा भी ने ते नबी दा चाचा अमीर हमजा भी रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके ते ओहदे शहीदां दी कबर ते दुआ कर दे ने, ते बड़ी लम्मी जी दुआ जगां दे पीर ने फरमाई है। कुछ दिन गुजरे, अबू मुवहबा हुजूर दा एक गुलाम सी सल्लल्लाहो, अबू मुवहबा कहिंदे ने एक दिन जगां दे पीर मेरे नल बकी दे कब्रस्तान च तशरीफ लै गए। मेरे पैगंबर बकी दे कब्रस्तान दे दफन होने वाले दे वास्ते दुआ कर दे ने, लम्मी दुआ। जन्नतुल बकी दा कब्रस्तान जिथे 10,000 सियाबादियां कबरां ने, बड़ी लंबी दुआ। इंज लगता कि जिमें कोई किसे नाल अलविदा ही मुलाकात कर रहा है। बकी दे विच चले गए, जाया करो कब्रस्तान, जाया करो कब्रस्तान, जाके ते उन्हें जान वाले दे वास्ते दुआ करया करो। फराफा यदई जगां दे पीर अलैहि सलाम ने अपने हाथ उठा ले, फस्तगफिर लहुम तवीलन, बड़ी लंबी दुआ मेरे मुस्तफा बकी वाले दे वास्ते। 29 सफर दी आ गई। एक जनाजा पढ़ाने दे बाद मेरे पैगंबर अली सलाम घर तशरीफ ले आए। नबी पाक अली सलाम हजरत आयशा दे कोल पहुंचे। आयशा फरमान लगियां, हुजूर मेरे सर च बड़ी दर्द है। ते मेरे मुस्तफा फरमाते ने, आयशा दर्द ते मेरे सिर दे विच भी बड़ी। ए दर्द ओ दर्द जे मरकज उस्मान वाले हो, जेड़ी मेरे नबी दी वफात दा सबब बन गई। मेरे पैगंबर फरमाते ने, नी आयशा दर्द ते मेरे सिर दे विच भी बड़ी है। रात हुई है ते मेरे पैगंबर नूं बुखार चढ़ गया है। किन्ना बुखार? जिन्ना बुखार मेरे तुहाडे चो दो बंदियां नूं आउंदा है, इन्ना बुखार कल्ले मुस्तफा नूं चढ़ गया है। सैयद आयशा फरमांदियां ने, मैं जे करके हाथ लगाया ते मेरे नबी पाक दा जिस्म बुखार दी तपश दे नाल तप रहा है। मैं अर्ज कीती, हुजूर इन्ना बुखार? फरमाया, नहीं आयशा, जे मुकाम ज्यादा हुए ते आजमाइश भी ज्यादा हुंदी। इन्ना को बुखार है के मेरे नबी ते गशी दे दौरे आ रहे ने, इन्ना को बुखार है के मेरे पैगंबर बार बार बेहोश हो जांदे ने। मां जी आयशा फरमांदियां ने, साढ़े चो कोई बीमार हुंदा, नबी पाक उन्हों दम कर दे, अज़ही बिल बास रब्बन नास वश्वियंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउ का शिफा अल्ला युगादिरु साकामा। मैं अपने महबूब पाक नू दम करन लगी, मेरे नबी फरमांदे ने, आयशा हुन दम दी जरूरत नहीं, हुन ते अगे दियां तैयारियां ने। ए मेरे नबी दा सफर आखरत शुरू हो गया। 29 सफर दी तारीख है। आयशा हुन दम दी जरूरत नहीं, हुन ते अगे दियां तैयारियां ने। मेरे पैगंबर बुखार दी शिद्दत दे विच बार बार पुछदे ने, कल मेरी वारी केड़ी बीवी दे घर रहंदी है, कल मेरी वारी किधर आएगी? मां जी आयशा फरमांदियां ने, सैयदा फातिमा ने सानू सारियां नू इकट्ठियां फरमा लिया, नी मेरे नबी दी ओ बीवी ओ ते मेरी ओ माओ,
मेरे अबू की हालत ऐसी नहीं कि रोज किसी दूसरे घर मुंतकिल हो। उम्महातुल मोमिनीन फरमान लगिया नहीं साढ़े दिल दे आ टुकरे ते नबी दे आ मां पारे आ फातिमा दस की चाहनी है। अगर इजाजत दो मैं अपने बाबा नू सैयदा आयशा दे घर मुंतकिल कर दे। सारिया बीवियां ने अपनिया वारियां कुर्बान कर दितियां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन हुजरे आयशा दे विच मुंतकिल होए ने एक हाथ अली जी दे मोढ़ियां ते एक हाथ फजल बिन अब्बास दे मोढ़ियां ते रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। ते कमजोरी इन्नी है चलिया नहीं जा रहा ते मेरे मुस्तफा करीम दे कदमैन शरीफैन इंज करके ते जमीन दे उते रगड़ दे आंदे ने ते मेरे मुस्तफा दे कोलो खड़ा नहीं होया जा रहा। सत रबीउल अव्वल ते बुद्ध दा दिहाड़ा आ गया। मेरे पैगंबर अली सलाम मस्जिद जान दे वास्ते होश फरमांदे ने उठिया नहीं जा रहा। फरमाया मेरे ते सत मिश्कीदियां दा पानी पाओ। उन्हां सत्तां कुवियां चो एक बहरे गरस अज भी मौजूद है जिस कुएं दे पानी दे वास्ते मुहम्मद करीम ने बरकत दी दुआ फरमाई सी। मैं थोड़े दिन पहले उथे सा फिर स्पेशल उस कुएं ते असी गए उथों दा पानी पीता नाल उठाया कि ए पानी ओवे कि जेड़ा नबी पाक पी के दुआ भी फरमाई इस कुएं च अपना लुआब भी डाले है। और जदों हुजूर बीमार सन ते हजरत अली दे हाथ इस खूह दा पानी मंगवाया भी है। मदीना पाक दे विच बहरे गरस नाम दा कुआ अज भी चलदा है मौजूद है पानी निकल रहा उतों। सत कुएं दा पानी डालिया गया। जगां दे पीर अली सलाम बस बस कहना शुरू हो गया। अली जी ने उठाया हजरत अब्बास ने उठाया नबी पाक जोर तो थोड़ी देर पहले मस्जिद दे विच आ गए। परवानियां दियां लाइनां लगियां ने जिहड़े तिमारदारी ते एक ज़ियारत दी निगाह दा जज्बा रखदे ने। नबी पाक अल इस्लाम मिंबर ते बैठ गए। आप फरमांदे ने तुहाडे चो एक बंदे नूं अल्लाह ने इख्तियार दित्ता और चाहे ते दुनिया दी जिंदगी पसंद कर ले चाहे ते अल्लाह दी मुलाकात नू पसंद कर ले। उन्हें अल्लाह दी मुलाकात नू पसंद कर ले। अबू बकर जी एन जी कोल बैठे सन ते जारो के तार रोना शुरू हो गए। सियाबा फरमांदे ने असी आख्या उंजुरू इला हाद शेख ए वडेरे अबू बकर वल वेखो इनू की है। नबी पाक ते एक आम बंदे दी मिसाल दे रहे ने। ऐ अज 12 रबीउल अव्वल 12 वाले दिन जदों आका दुनिया तो तशरीफ लै गए ते सहाबा फरमांदे ने अबू बकर जेड़ी गल नूं तू समझिया से उस दिन असी नहीं समझ सके। जोर दी नमाज पढ़ाई। जोर दे बाद जगां दे पीर अली सलाम दोबारा मिंबर पाक ते बैठ जांदे ने। आका फरमांदे ने तुहाडे चो जे मैं किसे दा कर्जा देना होए ते मेरे कोलों कर्जा वसूल कर लो। एक बंदा मजमे दे विचों उठिया कहन लगा सोने हो मैं तुहाडे तो 3 दिनार लैने ने। हो सकदा तुसी भुल गया होवो बल्कि मेरे बंदे ने तुसा मेरे कोलों उधार लै सन। नबी पाक अल इस्लाम ने हजरत अली नूं फरमाया अली ये दे पैसे अदा कर दे। अजे रबीउल अव्वल जिथे सीरत तैयबा तो मुतारिफ करवांदा है उथे आमाल दी इस्लाह दा दरस भी देंदा है।
ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਦੇ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਕਰੂਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇਣ। ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੂ ਨਹੀਂ ਰੀਂਗਦੀ। ਹਾਲਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੋਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਾਇਆ। ਸੋਨਿਓ ਮੈਂ 3 ਦਿਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਫੇਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਿਆਤੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ। ਇੱਕ ਸਿਆ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਂਦਾ ਸੋਨਿਓ ਬਦਰ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੰਢ ਤੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਰੀਬ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਢ ਨੰਗੀ ਸੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੰਢ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇੰਜ ਛੜੀ ਉਹ ਸਿਆਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਲਿਮ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਇੰਜ ਸੋਟੀ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਬਦਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਚਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੁੰਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦਾ ਸੋਨਿਓ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਅਜੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਨੀਅਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਹਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਫਜਰ ਜ਼ੁਹਰ ਅਸਰ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਮਗਰਬ ਦੀ ਸੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਕਰਵਾਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ਼ਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਜੁਮਾ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ 3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਫਜਰ ਦਾ ਵਕਤ, ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਬਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾ ਜਮਾਤ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਸਕੁਰਾ ਪਏ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਪਰਦਾ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੇ ਗਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੋਈ। ਸੈਯਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਰਾਬੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਨੀ ਆ, ਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਰਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਜਿਬਰੀਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਬਰੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਬਰੀਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਦਾਖਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ
अज जिबरील आए नाल इजराइल ने बेटी प्यारी दिल दा टुकरा ए अराबी नाई ए जो कर दा यतीम बलानू अज करन तो सानू आया अज आयशा फसा ज़ैनब ताई बेवा कर दिखलासी बेटी प्यारी अज मिनू तेनू ए वख करावन आया अबाद को निंदा है ए कबरा शहरा घरानू ओ जाड़े मौत प्याला पिलावे सबना अज मैनू पिलावन आया ए बारा रबीउल अव्वल चाशत को दावेल है नबी पाक अल इस्लाम हजरत आयशा दी गोद दे विच आप दे सीने दे नाल टेक लगा के बैठे ने लिटे ने आखरी वेले मिसवाक चबाई हाथ मुबारक उठाया जिवें आउन वाले नु मरहबा किया जांदा है हुजूर दी रूह परवाज कर गई वमालत यदाहु हाथ मुबारक नीचे गिर गया मेरे पैगंबर दुनिया तो तशरीफ ले गए सैयदा फातिमा फरमांदियां ने या बताऊं जिब्रील नना अबू जिब्रील आएगा ते असी उन्हूं दसांगे मेरे अबू दुनिया तो टुर गए या बताऊं अजा मन अजा बर बंदा अबू जी सानू छड़ गए होते अल्लाह दी मुलाकात नो पसंद कर ले अजे अबू जी सानू छड़ गए हो उन जिबरी लाएगा ते किदे को लाएगा रो रो हजरत फातिमा कहिंदी अब्बा जान प्यारे तुहाडे बाजन की मैं करसा आन पे दिन बारे अब्बा जान प्यारे मेरे ते केड़े बाजो तेरे देखे केड़ा सबर तसली वंडेगा दुख मेरे अब्बा जान प्यारे मेरे ए गल मैनू दस जावी फिर कदों मुड़ के आसो अंदर यानी जावी अब्बा जान प्यारे मेरे ए गम अज दिल नू खासी हसन हुसैन मेरा उन किसनू हसन हुसैन मेरा उन किसनू नाना जी कह के बोला सी हाथ यतीमा दे सारी उते रखेगा उन केड़ा मैं भी अज यतीम होइया वे पाए बापन खेड़ा हजरत अबू बकर नू खबरां मिलदियां ने ते घोड़ा दौड़ांदे वापस आउंदे ने मेरे पैगंबर अली सलाम दे चेहरा पाक तो कपड़ा हटा उठांदे ने ते मेरे नबी पाक दी पेशानी ते बोसा देंदे ने आंदे ने लुक टुट गया लक सिद्दीक दा टुट गया है लक सिद्दीक दा छड़ दिताई साथ रफीक दा मेरे महबूबा अल्लाह तुहाडे ते दो मौतां जमा नहीं फरमान गे अज वाला दिहाड़ा सियाबादा आलिम है अब्दुल्ला बिन जैद जिन्होंने ख्वाब दे विच अजान दा हुक्म सुनाया गया सी अब्दुल्ला बिन जैद
अपने खेतां दे विच काम कर रहे ने, पुत्र दौड़ता गया, अबू जी नबी पाक फौत हो गए ने। अब्दुल्ला बिन जैद ने एक चीख मारी ते ओथे खड़े हाथ उठा के कहिंदे ने अल्लाह ए मेरी अखां मेरे तो खोल है, अल्लाह इन्हां अखां दी लोड़ नहीं, जे इन्हां अखां दे नाल मुहम्मद नहीं दिसना सल्लल्लाहु अलैहि। इंसान ते दूर दी बात, मेरे नबी दी कसवा ऊंटनी, मेरे पैगंबर दी वफात दा इतना सदमा है, तीन दिन तक मदीने दियां दीवारां ते टकरा मार दी मार दी ए बेजुबान ऊंटनी तीसरे दिन फौत हो जांदी। सैयदा ने फरमाया सी, जेड़ा गम मेरे अबू दी वफात दा मेरे दिल ते उतरे है, अगर दिनां ते उतरदा ते दिन भी काले हो जांदे। सोमवार मंगल ते बुध दी रात जगां दे पीर अलैहि सलाम नूं हुजराए आयशा दे विच दफन कर दिता गया। बिलाल फरमांदे ने मैं अपने हत्थां दे नाल नबी पाक दी कबर दी मिट्टी नूं दबाना घुटना पदरा करना, ते जदों असी तदफीन तो वापस होके ते परदे तो ऐसा हाथ आए ना, ते मजबूर फातिमा खड़ी, ते पूछ दिया ने या अनसो अताबत अनफुसकुम अंता सुअला रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तराब वे अनस वे बिलाल वे तुहाडे नफसा ने किवें गवारा कर लिया के तुसी बुक भर भर के मिट्टी मेरे बाबा ते पांदे गए। फातिमा खड़िया ने वे अनस ਕਿਵੇਂ ਵਾਰਾ ਖਾਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਸਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਤੋਂ ਜਾਨਾ ਕੋਲ ਕਮਾਂਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਕ ਛੁਪਾਂਦੇ ਤੇ ਆਲਮ ਕੀ ਹੈ ਉੱਠ ਕਬਰ ਤੇ ਇੰਜ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ जिन्ना बेटियां दे बाप सिर तो उठ गए अल्लाह साडे चो जिन्ना दे प्यारे अबू दुनिया तो टुर गए अल्लाह साडे जान वालियां दियां कबरां नूर नाल मुनव्वर फरमा दे। उठ कबर ते इंज फरियाद करे अबू फाते माथे नू याद करे मिनू तुद बिन कौन इरशाद करे कौला इलाहा इल्लल्ला वे बाबुल छोड़ गया है अकेली नू इस जन्नत कली चंबेली नू दसा दुखड़ा केड़ी सहेली नू कौला इलाहा। छे महीने हजरत फातिमा जिंदा रही ने नबी पाक तो बाद, छे महीने किसी ने बेटी फातिमा नु हसदिया नहीं वेख्या। छे महीने दे बाद बाप दे गम दे विच रोंदी रोंदी ए मजबूर बेटी भी अल्लाह नु प्यारियां हो जांदियां ने। ए बारह रबीउल अव्वल वाला दिन है कि जिस दिन दे अंदर जगां दे पीर अली सलाम दुनिया तो रहलत फरमा गए अपने अल्लाह पाक दी मुलाकात नू पसंद फरमा लिया। मदीने दे विच कोहराम मचे है और मैं शुरू दे विच गुजारिश कीती है, सहाबा फरमांदे ने जिस दिन नबी पाक मदीने तशरीफ लियाए सन उस दिन नालों ज्यादा रोशन दिन कोई नहीं सी, ते जिदन नबी पाक वफात
फरमा गए उस दिन दे नालों ज्यादा अंधेरा मदीने च कदे नहीं सी वेखिया। मेरी दुआ है अल्लाह मेरी तुहाडी तरफों मेरे और तुहाडे प्यारे आका ओ मुर्शिद अली सलाम ते करोड़ा अरबा खरबा अनगिनत दुरूदो सलाम दा तोहफा कबूल फरमा ले।